यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने AIMPLB पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की फंडिंग कहां से होती है इसको लेकर सवाल उठाए हैं और साथ ही ओबीसी पर भी जमकर बरसे हैं, जहां पर कहा है कि ओबीसी जैसे लोग माहौल को खराब करने की कोशिश में लगे हैं और अगर ऐसे में देश का माहौल खराब होगा तो जिम्मेदार इसका कौन होगा। तो योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा अयोध्या फैसले के पुनर्विचार याचिका पर मंथन को लेकर जो लखनऊ में बैठक हो रही है उसको लेकर यहां पर सवाल उन्होंने उठा दिए हैं और पूछा है कि आखिरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की फंडिंग कहां से होती है, संस्थाओं को फंडिंग कहां से होती है। इसके साथ ही AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है और कहा है कि खुद को बैलिस्टर कहते हैं, विदेशों से पढ़कर आए हैं लेकिन मुस्लिमों की भावनाओं से कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि देश के माहौल को बिगाड़ा जाए और अगर ऐसे में देश का माहौल बिगड़ता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बैठक चल रही है और इसी को लेकर सवाल उठा दिए हैं मोहसिन रजा के जरिए, जहां पर याचिका को लेकर मंथन चल रहा है कि पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए या फिर नहीं। था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बिल्कुल ऐसा ही हाल है, आपके साथ कोई पक्षकार नहीं है, सुन्नी वक्फ बोर्ड आपके साथ नहीं है, अंसारी साहब आपके साथ में नहीं है, आप रिव्यू पिटीशन आपको दायर करनी है, आप दिल्ली में मीटिंग करिए, आप हैदराबाद में करिए, आपको हाईकोर्ट में थोड़ी करनी है ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में करनी है और पूरे देश के जो मुसलमान हैं उन्होंने इस फैसले को एक्सेप्ट किया है और बाकायदा बड़े दिल से एक्सेप्ट किया है, तो एक अच्छा सौहार्द का माहौल बना हुआ है, उस माहौल को खराब करने की कोशिश आखिर क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बार बार करता है। पिछली बार भी आपको याद होगा जब सुनवाई पूरी हो गई थी तब भी इन्होंने बैठक लखनऊ में की थी, आखिर लखनऊ में बार बार बैठक करना और तमाम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करना, इसके पीछे क्या साजिश है, इसका भी खुलासा करना चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और खास करके असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोगों को, क्योंकि उनकी एक पार्टी भी है इसके पीछे, वो तमाम मुसलमानों को गुमराह करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं।